कारण क्या क्या है। एक, ये बहुत ज्यादा टाइट होता है, यदि क्लैंप जस्ट कंफर्टेबल टाइट होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा टाइट कि मतलब इससे बिल्कुल, कौन सा वाला क्लैंप रखें, ये वाला क्लैंप बहुत ज्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, बहुत ढीला होगा तो सुई नीचे गिर के वैसे टूट जाएगी। ठीक है, सुई की डायरेक्शन ठीक होनी चाहिए, यदि सुई गलत तरीके से लगा हुआ है तो कई बार मैं एज अ प्रोफेशनल भी कई बार सुई को ना गलत लगा देते हैं, क्योंकि वो ऊपर से पता नहीं चलता, चिकना चिकना सा होता है, तो उसको लगा करके देख लो और फिर रफ कपड़े पर चला लो, यदि वो ठीक नहीं चल रहा तो उसको दोबारा से रीसेट करके और तब उसको कर लेंगे, फिर धागा डाल के फिर एक बार ट्राई कर लो कि वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्या, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण ही है वैसे ये तो, कि इसको ये जो होता है, ये जो प्लेट है, इस प्लेट को मैंने इसके ये प्लेट में ये लगे हुए होते हैं, ये दो, ठीक है, खोल दिए स्क्रूज और पेच निकाल करके इसको हटा दिया, और तब इसके अंदर देखेगा तो सारी जगह ना कूड़ा कूड़ा लिंट, क्योंकि कपड़े के अंदर रेशा होते हैं, तो कपड़े का वो जो रेशा होता है उस कपड़े सारा का सारा अंदर भर जाता है, उस रेशे को निकालना जरूरी है। ये आप पेज खोल रहे हो और ये पेज ढीले थे, तो ये आपका जो दांते होते हैं ये भी बहुत ज्यादा टाइट या बहुत ज्यादा ढीले नहीं होने चाहिए, कंफर्टेबली टाइट होने चाहिए, ये ऐसा भी नहीं हो कि आप ऐसे हिला रहे हो और वो लूज होकर के खुल ही रहे। ठीक है, तो अभी हम इसको खोल करके, नहीं फिलहाल हम खोल रहे हैं क्योंकि इसके अंदर ना लिंट जमा हो गया है, इसको साफ कर देंगे। और यदि मशीन पुरानी है या बहुत ज्यादा काम करती है तो एक कारण ये भी है इसके धागे के टूटने का, कि ये दांते पुराने हो जाते हैं, दांते कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होते खरीदने, सस्ते से होते हैं, ठीक है, 30-40 रुपए के आ जाते हैं मैक्सिमम, ला सकते हैं ना। तो यदि ये घिस गए हो, घिसे हुए, अभी घिसे हुए नहीं है लेकिन ये देख रहा है, ये इसके अंदर ये देख, ओहो बहुत सारा कूड़ा है, और सुई पुरानी है कोई, ये इससे कर लेते हैं, ये तो देखेगा, ये देख बहुत सारा कूड़ा निकल रहा है इसमें से, ये अंदर ना कूड़ा फंस जाता है, तो इस कूड़े को निकालना, स्पेशली वो जो डिजाइनर वाली व्हाइट वाली मशीन होती है, से भी साफ कर देंगे, तो वो वाली मशीनों में तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जिसकी वजह से दिक्कत होती ही होती है, इंडस्ट्रियल मशीन होती है या बुटीक की होती है, उसमें तो चल फिर भी हफ्ते चल जाता है, लेकिन कपड़ा जितना बुर छोड़ेगा उतना ज्यादा ये उतना, और यदि यदि लगे कि ये तेज नहीं है, घिस गए हैं या ज्यादा पुराने हो गए हैं, तो इनको भी चेंज करना कोई मुश्किल काम नहीं है। दूसरी बात, ये देख रहा है, ये सारा बहुत सारा कूड़ा निकल रहा है, ये लिंट देख, ये लिंट, आप कितना भी अच्छा से अच्छा धागा यूज करोगे आपका ये कूड़े में फंस फंस के खराब कर देगा, ये कपड़े को भी खराब करेगा, और पूरी सर्विसिंग कर दिया अपने, नहीं पूरी नहीं की, अभी तो टेम्परेरी थोड़ा सा किया है, पूरी के अंदर तो हम इसको और भी खोल सकते हैं। अच्छा, अब ये सब भी खोल देते हो आगे वाली साइड, अभी जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं ना, नहीं करने भी नहीं है, उसके पेज देखे ना, बताना पड़ेगा क्या, ये मेरा वाला तो ऐसा जाता है, टूटेगा तो नहीं, पता नहीं टूटना तो नीचे तो मेरा तो घूम जाता है, तुम्हारा वाला कर दो, पूरा निकालना है, ऐसे घूम के जाते हैं, उसको मना कर मेरे लिए भी कॉफी ना बना दे, अभी इसके घर किया था, ठीक है चीज़, क्योंकि देख मेनली तो मैंने तुझे दिखाई दिया है कि कितना कूड़ा यहाँ पे दांतों में फंसा था, है ना, मेन तो वो कूड़ा था ढेर सारा, अभी नीचे वाले पार्ट में भी कूड़ा फंसा हुआ है, ऑयलिंग तुम शायद कर ही लेते हो, तो मशीन तो साफ ही लग रही है तुम्हारी, और बस ऑयल तो डाल देते हैं, फिर हम लगा करके देख लेंगे, चांसेस है कि अब तेरा हो जाएगा, ठीक है, प्लेट कहाँ पे, जस्ट अब मैं वापस लगा दूंगी, अब तो वीडियो बंद कर सकते हैं, पूरा देखना चाहते कि कैसे लगाने कैसे करना है, देख खोला हुआ है वैसे ना तुम लोगों ने पहले भी, नहीं मैंने नहीं खोला,
क्योंकि इस सिर्फ इतने से काम के लिए भी यदि तुम टेलर इसके पास जाओगे मशीन वाले के पास वो इतने नखरे खाएगा कि छोड़ के जाओ इतने पैसे उतने पैसे 200-300 तो वो मिनिमम हाथ लगाने के लिए ले लेगा। मेन वो ये नॉलेज की कमी होती है तो फिर पता ही लगता। और इसके अंदर कुछ ऐसा नहीं है जो कुछ खराब और ही पार्ट हो सकता चेंज करवा देते हैं। नहीं कुछ खराब होने वाला कुछ भी नहीं है, सुपरफिशियली पार्ट्स हैं, जस्ट ऊपर के मतलब स्क्रूज खोलो और लगा दो, है ना। ठीक है,